आपको कभी इनसिक्योरिटी फील होती है? जैसा आपका चाइनीज भाषा से आप मैनेज करते हैं बुदोंग? बुदोंग सबसे अच्छा पहले अच्छा यही सीखा था। कितने घंटे आप काम करते हो उधर? यहाँ यंग साइंटिस्ट चाइना आता है तो उसको मोस्टली कितनी सैलरी मिल सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आज के एपिसोड में मिलाने वाला हूं भारतीय साइंटिस्ट से जो चीन में रहते हैं और उनका जीवन यहां कैसा है और वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या उनके साथ यहां घटित होता है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर राजीव जी से। नमस्कार राजीव सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते निरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें टाइम दिया आज। थैंक यू। तो आप यहाँ छेंदू शहर में रहते हैं, आप कब आए थे यहाँ सबसे पहले? मैं यहाँ पर जनवरी 2020 में से आया हूँ और उससे पहले मैं एक वीक के लिए जनवरी मतलब 2019 में भी आया था। okay. पर प्रॉपर जो है 2020 से, जनवरी 2020। तो आप यहाँ एज ए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है जो आपका वर्क प्लेस है वो कैसा है, कितने घंटे आप काम करते हैं उधर? हम लोग का जो है बींग अ साइंटिस्ट, हम लोग का कोई लिमिटेशन नहीं है वर्क का और हम लोग का रिसर्च में मतलब कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि आपको इतने से इतने बजे तक ही आके काम करना है। वी कैन मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंगली, मतलब जो भी हमारा टाइम है उसको अपने काम के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। okay. तो अगर हमारा काम बहुत ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली हम बहुत देर भी रुकते हैं, और अगर हमारा ये होता है कि नहीं आज काम नहीं है समथिंग, सो वी आर फ्री टू गो। ओके, सो आप इंडिया से यहाँ आए और यहाँ काम करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एज ए हमारे जो दर्शक है वो एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी देखना चाहते हैं कि चाइना एज ए एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी उनको मिले, तो जो यंग साइंटिस्ट हैं इंडिया में और तो क्या उनके लिए यहाँ आना एक सही उनका डिसीजन रहेगा या कैसा रहेगा? वाकई में वो एक सही डिसीजन रहेगा और यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज यंग साइंटिस्ट के लिए। लाइक मैं भी जब यहाँ पर जनवरी 2020 में आया था तो मैं एज अ पोस्टडॉक आया था, तो 3 साल मैंने अपनी पोस्टडॉक कंप्लीट करने के बाद देन मैंने यहाँ पे एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया था, एज अ साइंटिस्ट यहाँ पे ज्वाइन किया था। ओके okay. और दे हैव लाइक गुड स्कीम्स हेयर और आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इवन लाइक वैन यू पब्लिश देन ऑल्सो दे विल अप्रिशिएट यू। और वर्क कल्चर लाइक स्पेशली लाइक आई बिलोंग्स टू वेस्ट चाइना हॉस्पिटल, तो मेरे यहाँ पे लाइक वी आर अराउंड 20,000 एम्प्लॉइज हियर, तो वर्क कल्चर बहुत स्मूथ है, तो आपको वो एक चीज़ है जो मतलब अप्रिशिएटिव है। आप एक इंडियन हो, चाइना में काम करते हो, तो क्या कभी आपने भेदभाव या रेसिज्म ऐसी चीज फेस की है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है पिछले 4 साल में। तो अगर जैसे इंडिया से कोई जो नया यंग साइंटिस्ट चाइना आता है तो उसको मोस्टली कितनी सैलरी मिल सकती है? अगर वो वहाँ पे PhD करके आया है ऑलरेडी, उसने इंडिया में PhD कर रखी है और वहाँ पे उसने पब्लिकेशंस वगैरह कर रखे हैं, तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो करीबन 30 से 40 लाख रुपए इंडियन करेंसी में मान के चलिए, उसको उसका स्टार्टिंग ईयरली रहेगा, दैट्स इंक्लूडिंग टैक्स और समथिंग, बट वो भी वेरी करता है आपका, डिफरेंट प्रोविंस में अलग अलग चीज़ें हैं। okay. जैसे अगर आप शेंजन की बात करो तो शेंजन में वो करीबन हर नए पोस्टडॉक को एवरी ईयर वो 20 लाख तो एज अ अलग से टैक्स फ्री मनी देते हैं, तो वो डिफरेंट प्रोविंस में अलग अलग स्कीम है फॉर साइंटिस्ट, फॉर यंग साइंटिस्ट। ओके, तो इट्स अ लाइक गुड अपॉर्चुनिटी, लाइक अगर किसी को अच्छे रिसर्च में अच्छा जाना है तो मैं यही सलाह दूंगा कि उसे एक बार आना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली दे हैव रिसोर्सेज, टेक्निक्स भी अच्छी हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर वो लोग करना चाहते हैं तो रोबोटिक्स के फील्ड में भी चाइना काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें मतलब यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, देन यू आर लाइक अपने देश से तो ऊपर कुछ भी नहीं है किसी को भी, राइट? सो देखिए, आपने भी पूरा इधर पूरा ऐसा घर में पूरा वाइब्स आती है इंडिया के जैसी। हाँ, देखिए हर तरफ डेकोरेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हैं। हाँ, बिकॉज हम लोग इंडियन हैं तो मतलब ये तो करना ही है, और आपको मैं दिखाता हूँ हम लोग जो है। बिल्कुल, लेट मी शो यू। हाँ, बिकॉज वी बिलोंग्स टू लाइक हिंदू, तो मतलब डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि लाइक मैं डेली गीता का पाठ करता हूँ, तो मेरा जो है शंख भी है हमारे पास, भगवत गीता यहाँ पे और भगवत गीता जी हैं, आप देख सकते हैं भगवत गीता रहे, एंड देन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, तुलसी जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शिव जी का परिवार है, देन शेरा वाली माता है, कुबेर जी हैं, लक्ष्मी जी के चरण हैं, कान्हा जी हैं।
आपने तो पूरा एकदम मतलब हर एक तरीके से इंडियन वाइब्स इधर है। और दोस्तों मैं आपको एक गजब चीज दिखाता हूँ, यहाँ देखिए हमारे प्यारे भारत का जो फ्लैग आपको देखने को मिलता है इस तरफ, जो हमारे डॉक्टर साहब है उनके घर में, बहुत बहुत बढ़िया। और इस तरफ आपको मिलाता हूँ डॉक्टर साहब के पिताजी से। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते। कब आए थे सर? मैंने 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो आपको तो चाइनीज भाषा भी नहीं आती, फिर आपको इधर कैसे लोगों से बातचीत करते हो? यहाँ के जो है ना आदमी कोऑपरेटिव है। अच्छा, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और विदेशी के साथ तो खासकर कोऑपरेट करते हैं। ओके, तो आप जब जाते हो तो आपसे वो किस तरीके से बात कर पाते हैं? बात तो वो अपनी चाइना भाषा में करते हैं, पर हमारा काम चल जाता है इशारे से, क्योंकि कोऑपरेटिव है ना, तो वो कर देते हैं, मैनेज हो जाता है। तो आप जैसे यहाँ रहते हो, आपका बच्चा भी यहाँ पे है, वाइफ भी यहाँ पे, पिताजी भी यहाँ पे, तो लिविंग कॉस्ट क्या पड़ जाता है? मतलब मोस्टली आपके हाउस का, बच्चे की फीस और ये सब कितना लगभग क्या हो जाता होगा? पर जैसे हमने अभी 2 BHK ले रखा है, तो मेरा जो है करीबन 3000 RMB के अराउंड आपको हाउसिंग पड़ जाता है। फिर अगर हम चाइल्ड एजुकेशन की बात करें, तो चाइल्ड एजुकेशन यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप इंटरनेशनल स्कूल्स में का प्लान करते हैं ना, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वी आर डूइंग लाइक ऑनलाइन एजुकेशन फ्रॉम इंडिया। ओके, तो अभी मेरा बेटा जो है वो इंडिया से पढ़ रहा है। बच्चा पढ़ता इंडिया में है, रहता हाँ, चाइना में है। हाँ, तो ऐसी फैसिलिटीज इंडिया में है? यस, वो फैसिलिटी। तो फिर एग्जाम कैसे होता है? ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम भी ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, और अभी फिलहाल वो एक इंटरनेशनल स्कूल में है जहाँ पे वो फ्रेंच सीखता है साथ में। ओके, एंड जब वो उस क्लास में, उस स्कूल में जब वो 8th क्लास में चला जाएगा, तो इवन उनके करिकुलम में चाइनीज लैंग्वेज है, लाइक दे विल टीच चाइनीज। सो बच्चा यहाँ रहता है, चाइनीज सीखता। दोस्तों देखिए ये इनका मतलब, एक डॉक्टर साहब ने बहुत ही जोरदार माइंड लगाया है, बच्चे को चाइना में रह के इंडिया में पढ़ाते हैं, वहाँ की भी चीज़ें सीखता है, यहाँ रह के यहाँ की भाषा भी सीखता है, और धीरे धीरे करके बच्चे का सर्वांगीण आप विकास कर रहे हो, हर तरीके से उसका डेवलपमेंट हो। हम लोग वेजिटेरियन है, तो हमारे ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, आप वेजिटेरियन है? यस, हम लोग वेजिटेरियन है। तो दोस्तों ये भी एक ना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि चाइना में होके और वो भी वेजिटेरियन किस तरीके से कोई रह पाता होगा, तो वो आपका कैसा अनुभव है वेजिटेरियन रहने का? हाँ, अच्छे से मैनेज है, 4 साल में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एंड अच्छे से मैनेज हो जाता है। बट ये होता है कि हमें सारी ग्रोसरीज ऑनलाइन परचेज करनी होती है, बिकॉज वो लोकल मार्केट्स में ग्रोसरी नहीं होती, सो वी हैव टू पे लाइक 3 to 4 times मोर मनी एज कम्पेयर टू उसी चीज़ का सेम प्राइस जो इंडिया में है। ओके, बट ओवरऑल जो आप जब आप यहाँ पे अर्न करते हैं, जब आप यहाँ पे रहते हैं, तो यू लीव अ कम्फर्टेबल लाइफ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट, सो इट्स ऑल मैनेजेबल कॉस्ट। तो दोस्तों अब इनके साथ साथ इनकी जो वाइफ है उनसे हम कुछ सवाल पूछें। नमस्ते। आप भी चाइना में इनके साथ ही आए थे या फिर बाद में आए? मैं बाद में आई हूँ। ओके, सो सबसे पहला सवाल जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है, एज ए वुमन आप यहाँ रहते हैं, तो आपको कभी इनसिक्योरिटी फील होती है? नहीं, 1% भी नहीं। मतलब आपको जो सुरक्षित माहौल एकदम मिलता है, तो ऐसा क्या है यहाँ जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ? स्टार्टिंग में जब आई थी तब मुझे लगता था कि नहीं, रात को बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन जैसे एक दो बार गए बाहर, तो बहुत सेफ्टी कैमरेज लगे हुए हैं। मोस्टली कैमरा की वजह से आपको सेफ्टी लगती है? नहीं, ऊपर से ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, ऐसा नहीं करते यहाँ ड्रिंक्स भी, बट लिमिट सबका अपना है, और साइकिल्स वगैरह हैं, जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है तो उसके लिए अलग साइकिल्स लेके घूमते हैं और फिर उसको उसमें गाड़ी में ले जाते हैं। ओके, तो बहुत देखा है मैंने, सेफ्टी है। सेफ्टी है, तो ये आपको अच्छा लगता है। अच्छा, आपको चाइनीज भाषा आती है? कैसा आपका चाइनीज भाषा से आप मैनेज करते हैं? बहुत थोड़ी सी आती है, कुछ शब्द जैसे थिम्बुतोंग सबसे पहले ये सीखा था। दोस्तों थिम्बुतोंग का अर्थ बता देता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे को समझ में नहीं आया। ओके, सो सबसे पहला वर्ड आपने सीखा थिम्बुतोंग सबसे पहले यही सीखा था, उसके बाद निहाओ। निहाओ, निहाओ का मतलब होता है नमस्ते। हाँ, शीशे, शीशे यानी धन्यवाद। तो ये शब्द आपने जो बेसिक वर्ड्स है सबसे पहले सीखे। तो अब जैसे आप यहाँ रहते हैं, सोसाइटी में जब आप रहते हो, तो यहाँ की महिलाओं से भी आप मिलते होंगे, तो जब आपका मन करता है उनसे बात करने का या उनका भी मन करता होगा, तो किस तरीके से आप कम्युनिकेशन करते हैं? गूगल ट्रांसलेटर। अच्छा, ट्रांसलेटर आप यूज करते हो? वीचैट, मेरे काफी फ्रेंड्स भी बने हुए हैं, हम बैडमिंटन खेलते हैं नीचे। ओके,
तो टाइम लगता है, तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स हैं सबके साथ, कोऑपरेटिव हैं, तो बहुत अच्छे से बिहेव भी करते हैं। ओके, सो अगर मोबाइल ना हो तो तो साइन लैंग्वेज मोबाइल ना हो तो इशारों से ही समझाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं आज आपको मिलाया हूँ इंडिया के एक साइंटिस्ट और उनकी एक फैमिली से। ऐसे ही भारतीयों से मैं आपको मिलाता रहूंगा जो चीन में रहते हैं, न केवल बिजनेसमैन बल्कि ऐसे सक्सेसफुल इंडियंस जो आपको गाइड कर सकते हैं और एज ए करियर अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारे करियर के ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए कि आपको और क्या नया चाइनाज में देखना है, कि चाइना के संबंधित क्या जानकारी आपको चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।